गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारी जो वर्म इसलिए वो कितनी खिली खुली बनी है और एक एक दाना इसका अलग है और इसका जो टेस्ट है वो मैगी से कम नहीं है। वैसे तो ये नूडल्स और मैगी का देसी जायका है। इस रेसिपी को आज हम अपने बच्चों की सेहत और स्वाद को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे और देखा जाए तो बड़ों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का और इवनिंग स्नैक्स का। तो अब देर किस बात की, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बैम्बिनो की रोस्टेड वर्मिसली ली है जो रेडी टू कुक है, टेस्टी होती है, टाइम सेवर होती है, मोर वैल्यू होती है और फ्यूल सेवर होती है। तो है तो ये रोस्टेड बट इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाएगा। और यहां पर मैंने लिए ग्रीन पीस, कैरेट, बीन्स, टमाटो और अनियन और ग्रेटेड जिंजर और यहां पर लिए मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्चें और ये मैंने लिए 1 कटोरी वर्मिसली। तो गाइस मैं यहां पर जो है मेरी गैस को ऑन करके इस वर्मिसली को डाल देती हूँ और 2 से 3 मिनट तक हम इसको जो है रोस्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो ये थोड़ा भुननी स्टार्ट हो गई है और इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, जो कि इसके ये आप कोने देखोगे ना तो ये वाइट तरह से तिड़क जाते हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट और रोस्ट करते हैं। तो गाइस अब ये अच्छे से भुन चुकी है और मैं मेरी गैस को ऑफ कर देती हूँ और गैस ऑफ करने के बाद इसको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दूसरी गैस को हम ऑन करेंगे, यहाँ पर मैंने मेरा पानी थोड़ा सा पहले से गर्म करके रखा हुआ है, इसमें जो है हम ये वर्मिसली डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पानी कितना लेना है। मैंने ये 1 कटोरी वर्मिसली ली है और 2 कटोरी पानी इसमें लिया है और इस ये वर्मिसली आपस में ना चिपके इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑयल जो है ऐड कर दूंगी और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरी गैस को ऑन कर देती हूँ और ऑन करके जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है ऑयल डाल देती हूँ। सो गाइज यहाँ पर जो है मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिया थोड़ी सी राई। अब इस राई को जो है मैं इसमें छोड़ दूंगी और जैसे ही राई तड़क जाएगी सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और इस अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे राई के साथ ही। अदरक के बाद मैं ऐड करूंगी मेरी हरी मिर्चें और आप देख सकते हो जो अदरक भी अच्छे से भून चुका है और अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें कैरेट, क्योंकि कैरेट जो है थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए इसको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐड करूंगी मैं मेरा प्याज, हल्का सा प्याज 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें जो है मैंने बीन्स लिए वो, अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मेरा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैं कुछ खास मसाले इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड करेंगे तो इसका नेचुरल टेस्ट हमें नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद मैं ऐड कर दूंगी मेरे मटर। तो गाइस मटर डालने के बाद जो है मैं इस कढ़ाई को 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूंगी। सो अब देखते हैं दूसरी तरफ हमारी बैम्बिनो के क्या हालचाल है। सो बैम्बिनो जो है अच्छे से पक चुकी है और आप देख सकते हो काफ़ी खिली खिली है, ये देखो, और आपस में नहीं चिपकी है। सो अब जो है हमारी गैस को हम बंद कर देते हैं। अब जो है मेरी कढ़ाई का लिड मैं हटा के देख लेती हूँ और ये मटर अच्छे से भुन चुके हैं, बीन्स अच्छे से भुन चुकी है और अब लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो इसको हम फिर दोबारा 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टेस्ट है मैगी और नूडल्स से कुछ मिलता हुआ है, तो अब इसको प्रॉपर वही टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मैगी मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इससे जो है आपको बिल्कुल टेस्ट लगेगा मैगी या नूडल्स जैसा। तो अब आप देख सकते हो ये टमाटर को हम थोड़ा सा गला लेंगे। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारे टमाटर और मसाला अच्छे से भुन चुका है और टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं मैश कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी वर्मिसली
जो कि काफी खिली खिली है। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो है वर्मिसली के कोने कोने तक सारा मसाला जो है चला जाए। सो गाइज, अब जो टाइम आ गया है इस वर्मिसली को सर्व करने का आ गया है। सो अब जो है हम इसको सर्व करते हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और जो है देख सकते हो कि मेरी वर्मिसली देखने में इतनी सुंदर दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल जो है मैगी की तरह दिखाई दे रही है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मैगी से कम नहीं होगा। सो मैं मेरी वर्मिसली को इंजॉय करूंगी मेरे फ्रेश कीनो जूस के साथ, क्योंकि खाने की कोई चीज के साथ लिक्विड मिल जाए तो उसका जो टेस्ट है और डबल हो जाता है। सो अब मैं एक बाइट जो है खा के देख लेती हूँ कि ये खाने में कैसी लग रही है। ये सच में बहुत टेस्टी है और आप देख सकते हो कितनी खिली खिली बनी है। इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग है, ये बहुत खिली खिली बनी है ये। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर प्रेस कर देना और जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक और इजी इजी रेसिपी मैं पहुंचा सकूं। और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी रेसिपी, इजी लगी ना। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।